जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हूँ सेप्टेम्बर मस 29 तारीख मंगलवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूज एस रही आपंपाई मो वीडियो रे आपण बताइबी। वीडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित समस्त वीडियो गोटे लाइक करूँ, समस्ते तले नाली कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु, कारण जहाँ भी लाटेस्ट अपडेट रण सर्वप्रथमे देखिपारे। तो चलतु आज के टॉप न्यूज एस कौन रही देखनवा। तो देखंतु प्रथम अपडेट रही बालेश्वर बस्ती उन्नतीकरण योजनार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जाकि कहले आगामी तीन वर्ष राज्यर सबु बस्ती जाकि आदर्श कॉलोनी रे परिणत हेब। तो एने से कहते सहरर विकास ठारु आरंभ करी कोविड लड़े पर्यंत सबु क्षेत्र में बस्ती गरीब लोक मैंने आगरे रही काम करूँ, तेणु विकास उपर सामान अधिकार रही। तो ये योजन राज्यर बस्ती रे बिजुली भल पीवा पानी रास्ता आ गोष्ठी केन्द्र आदि जैकि नागरिक सुविधार विकास कर बस्ती जैकि लोक मान जीवनधारण मान उन्नति जैकि आने सहित जीविकापाई सुजोग सृष्टि बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। दुई नंबर अपडेट हो तीर्तल अंचल दुईट सेतुर शिलान्यास कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जैकि 200 कोटी टंकार महानदी उपर हेब दुईट सेतु बोली तथ्य रही। तीन नंबर अपडेट रही ओडिशार पाणीपाग को लेकिन देखूँ सेप्टेम्बर मस 30 तारीख दिन राज्यर किसी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होबार संभावना रही, विशेषकर बालेश्वर भद्रक कटक जगत सिंहपुर जाजपुर केन्द्रापड़ा गजपति गंजाम खोर्धा पुरी नयागढ़ रायगढ़ कलाहांडी कंधमाल बौद्ध ढेंकानाल जिले में गोटे दुईट स्थान में वज्रपात सहित घूर्णिझड़ होबार आशंका रही। तो सेहीपरी गंजाम गजपति पुरी नयागढ़ कंधमाल जिलार गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षा होबार आशंका रही, तेणु यही सब जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाई। चारि नंबर अपडेट रही तदंत चली तो केते बाट आगेला आदित्य दास मृत्यु मामला, जैकि माराथन जेरा परे क्राइम ब्रांच हाथ में लगला कि किसी तथ्य। तो एते दिन जाए क्राइम ब्रांच करुची कौन तदंत नहीं उठिला प्रश्न सत खोजा को आते दिन लगे, जैकि समस्ते मानने समस्त जो आशा जैकि केते दिन आगे क्राइम ब्रांच कौन करुच्ची तथ्य आसुनी, तो यह प्रश्न उठी। पांच नंबर अपडेट रही केते दिन भितर नष्ट बजार खोला मीठा, ताकि एणिकि मीठार एक्सपायरी डेट जनइबे दोकानी, नियम न मानिले हेब जरिमाना, जाकि अक्टोबर पहिलारो ए नियम लागू हेब बोली तथ्य रही। तो जिते भी सब मीठा दोकान अच्छी आपण माने मने रखंतु आपण जो मीठा बिकुछंती तार एक्सपायर डेट केत तारिख तार मीठार एक्सपायर डेट से आपको जनइबा निहाती आबे दरकार, आ दोकान ने मध्य मेंशन करिबा निहाती दरकार। अक्टोबर मास 1 तारिख थारु ए नियमटी लागू होइजिवो। छह नंबर अपडेट रही उपवाचस्पति रजनीकांत सिंह और मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही कोरोना संक्रमित होती, विधानसभा परिसर संगृहित नमूनु 14 जन विधायकों नमूना जैकि पॉजिटिव आसी, जैकि आज आरंभ हो विधानसभा अधिवेशन बोली तथ्य रही। सात नंबर अपडेट रही श्रीमंदिर खोलिबाकु सरकार अमंग, जाकि गर्भगृह छोट थिबारु मंदिर खोलिले संक्रमण व्यापीबार आशंका रहुचि। तो हाइकोर्टे जनस्वार्थ मामलार जवाब रखिले राज्य सरकार बोली तथ्य रही। आठ नंबर अपडेट रही कोरोना कबल में 450 श्रीमंदिर सेवायत, जाकि सेवायत पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे श्रीजी को नीतिकांति को नहीं बढ़ुची चिंता। तो पालिया सेवायत को सेवार निजुक्ति करिबा नै श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर आलोचना होली तथ्य रही। नौ नंबर अपडेट रही पुणी भारत बढ़ाला चीन चिंता, जाकि भारतीय वायुसेनार जोड़ हे आँचटी राफेल युद्ध विमान बोली तथ्य रही। दस नंबर अपडेट रही अक्टोबर मस 4 पर्यटकों लगे पुणी खोल नंदनकानन प्राणी और उद्भिद उद्यान खोलिबा नै नंदनकानन उपनिर्देशक विमल चंद आचार्य एने सूचना देते। एगार नंबर अपडेट रही राजधानी उपकंठे एक बैंक परिसर में गत काली संध्या जड़े दुर्बृत्त आतंकराज चलाई, जाकि बैंक प्राय 10 जन कर्मचारी को बंधुक देखा भयभीत करने प्राय 10 लक्ष टंका नहीं फेरार हो जाए, जाकि बैंक ऑफ इंडिया रो जाकि बरमुंडा शाखा यही लुट हो। सूचना अनुसार गत काली संध्या 4:40 जाकि बरमुंडा स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा को कर्मचारी मैंने बंद कर घर को जवा पूर्व जड़े दुर्बृत्त प्रवेश करिथिला। तो दुर्बृत्त जनक बंधुक देखा कर्मचारी मानू प्रथम भयभीत कर 10 लक्ष टंका लुट कर सूचना रही। बार नंबर अपडेट रही कृषि बिल पर बीजेडी करिबो कमिटी, विधायक दल बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा
କହିଲେ ଯାକି ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ବିଜେଡ଼ି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଅନଲକ୍ 5ରେ କ'ଣ ଖୋଲିବ କ'ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅନଲକ୍ 5 ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାକି କଟକଣା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତା ସହିତ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଦରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ, ଯାହାକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଦର ରହିଛି କିଲୋ ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ପିଆଜ ଚାଷୀ, ଯାହାକି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯେଉଁ ପିଆଜ ସେମାନେ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ସେହି ପିଆଜକୁ ଯାହାକି ବଜାରରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ତ ଯାହାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଦରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କେଜିଏ ପିଆଜ ଜାଗାରେ ଅଧା କେଜି ପିଆଜ କିଣି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିବା ଯାହାକି କହିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଏଣିକି ପ୍ରତିଟି ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ବିଜୁଳି ଯାହାକି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ପାୱାର, ବିଳମ୍ବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିବ କମ୍ପାନୀ, ବିନା ସୂଚନାରେ ଲାଇନ୍ କାଟ କଲେ ଜରିମାନା ଭରିବେ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, SBI ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ SBI ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SBIରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ 6 ମାସର ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପୁଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଆବେଦନ କରିକି 50,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲୋନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।